नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बंगाल की खाड़ी में लापता हुआ वायुसेना का विमान, 29 लोग थे सवार। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। नौसेना के 4 जहाजों को लगाया गया सर्च ऑपरेशन में। गोरखपुर में अखिलेश सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जातिवाद और परिवारवाद पर साधा निशाना। एम्स और खाद कारखाने की दी सौगात। नवजीवन अखबार मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दर्ज किया मामला। कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा भी जांच के घेरे में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसद भगवंत मान की ली क्लास। कहा, वीडियो बनाने का मामला गंभीर, कार्रवाई आवश्यक। साथ ही सांसद ने शराब पीकर संसद आने का लगाया आरोप। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का किया वादा। आईएसआईएस को हराने का लिया संकल्प। अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारी औपचारिक तौर पर किया स्वीकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। वही अब वह रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से राज्य का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाना बंद कीजिए। पीएम मोदी ने कहा, लखनऊ को दौड़ाने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि मैं तो सीढ़ियां भी तेजी से चढ़ता हूं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से उन्हें सांसद चुनने के लिए यूपी की जनता का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा, यूपी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि पूरब और पश्चिम देश के विकास के दो पहिए है। यहाँ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हम बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करेंगे। इतनी संख्या में यहाँ आइले से हमारा मन गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव के समय यही बगलिये में मान बेला का सभा ऐतिहासिक रहुल। आज रउबा सब आपन पहल के रिकॉर्ड बात तोड़ दीजिए। आसमान से भी जहां तक लौकत बा रैली कहू है रैली बा। आप सबन के सहयोग से केंद्र में सरकार बनौले के दुई साल में जवन वादा कहू के गैल रहनी, आज उहे पूरा करे और वही के बतावे आयल बाटी। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि 26 साल से बंद पड़ा हुआ कारखाना मेरे कारण हुआ, मोदी के कारण हुआ, तो ये बात गलत है। ये 26 साल के बाद ये कारखाना फिर शुरू होना है, अगर उसका क्रेडिट, उसका पूरा यश अगर किसी को जाता है तो आप सब जनता जनार्दन को जाता है। अगर आपने मुझे उत्तर प्रदेश से चुन करके न भेजा होता, अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और साथियों को न जिताया होता, तो ये 26 साल वाला काम अभी भी लटका पड़ा हुआ होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दिल्ली में आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाई है, इसलिए ये काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रख करके सरकार चुनते हैं,
तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा हमें बल न दिया होता तो हिंदुस्तान में 30 साल के बाद जो मजबूत और स्थिर सरकार बनी है वो कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका तीसरा अभिनंदन मुझे करना है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे होनहार सांसदों को चुना है, ऐसे जागरूक सांसदों को चुना है, ऐसे सक्रिय सांसदों को चुना है जिसके कारण वो दिन रात दिल्ली में जब आते हैं तो आपके सवालों को लेकर के मेरे से भी लोहा ले लेते हैं। इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। और लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप सोते कब हो? अरे आपने ऐसे मजबूत सांसद भेजे हैं वो मुझे सोने देंगे क्या? आज ये जो सिद्धि हो रही है इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा प्रारंभ से मत रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का है। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है, अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे देश का पूर्वी इलाका, अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ तेज गति से नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी पूरी ताकत लगी है कि हिंदुस्तान के इस पूर्वी भारत का पहिया भी मजबूत बने, पश्चिम की तरह यह पहिया भी विकास रथ को आगे ले जाना वाला बने। इसलिए मैं भाइयों बहनों, अगर पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत में दूसरी कृषि क्रांति
अगर कहीं होने वाला है तो पूर्वी भारत में होने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने वाला है। और अगर सेकंड रिवॉल्यूशन करना है तो हमारे किसान को खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। आपने ऐसा कभी देश देखा है भाइयों कि घर में तो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद पड़े हो, नौजवान बेरोजगार बैठे हो, इलाके का विकास अटक गया हो और दिल्ली में बैठी हुई सरकार विदेशों से उर्वरक मंगाते रहे, विदेशों से फर्टिलाइजर मंगवाते रहे। ऐसी गलती कोई सामान्य मानवी भी करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अरे आपके घर में अगर खाने का सामान पड़ा है तो आप बाहर से किसी से मांग के लाएंगे क्या? लेकिन ये दिल्ली में ऐसी सरकार थी, घर के कारखाने बंद लेकिन उर्वरक बाहर से लाते थे। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। और ये सारा पूर्वी भारत में है, सिंदरी हो, बरौनी हो, गोरखपुर हो, ये यही इलाके के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों सिर्फ ये नहीं, सिंदरी और बरौनी के कारखाने भी हम ही चालू करेंगे, मैं आपको विश्वास है। भाइयों बहनों हमारे देश में हमेशा, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं भारत सरकार को एक चिट्ठी जरूर लिखता रहता था। मैं हमेशा शिकायत करता था कि मेरे किसानों को यूरिया चाहिए, आप यूरिया दीजिए, और दिल्ली सरकार जवाब नहीं देती थी। मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले साल मुझे भी मुख्यमंत्रियों की यही चिट्ठी आई कि हमें यूरिया चाहिए, और मैं अखबार में खबर पढ़ता था यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान यूरिया लेने के लिए दुकान के सामने 12-12, 15-15 घंटे कतार लगा करके खड़ा है, यूरिया लेने के लिए किसान गया है और पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। ये दिन आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे, याद है ना? ऐसा होता था ना भाइयों बहनों, 1.5 साल में मुझे एक भी मुख्यमंत्री की चिट्ठी नहीं आई है, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दिया है। लेकिन भाइयों बहनों खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।